प्रो कबड्डी सीजन 9 की 45th मैच खेले जाने वाली है बेंगलुरु बुल्स और दबंग दिल्ली के बीच में। इस वीडियो में हम पूरी तरह डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस अपकमिंग मैच को, दोनों टीम्स की क्या होने वाली है मोस्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग सेवन उसका भी प्रेडिक्शन करेंगे, साथ ही में सभी प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी क्या होगी, टीम की स्ट्रैटेजी क्या होगी, सबके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इन शॉर्ट पूरी तरह डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस अपकमिंग मैच को। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके @targetrank1 भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको डेली मिलते रहेंगे एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए हुए ड्रीम 11 के लिए टीम प्रेडिक्शंस। सो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बेंगलुरु बुल्स के स्टार्टिंग सेवन के बारे में। बेंगलुरु बुल्स के सेंटर में हमें दिखने वाले टीम के स्टार रेडर विकास खंडोला और उनका साथ देते हुए राइट इन पे एक और स्टार रेडर होने वाले हैं भरत और लेफ्ट इन पे होने वाले हैं नीरज नरवाल। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होने वाले हैं रजनीश और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं महेंद्र सिंह। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं सौरभ नांदल और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं अमन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दबंग दिल्ली के स्टार्टिंग सेवन के बारे में। दबंग दिल्ली के सेंटर में हमें दिखने वाले हैं नवीन कुमार एक्सप्रेस और उनका साथ देते हुए राइट इन पे होंगे मंजीत और लेफ्ट इन पे होंगे आशु मलिक। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होंगे रवि कुमार और लेफ्ट कवर पे होंगे विशाल लाथर। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं कृष्ण धुल और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं विजय कुमार। प्रो कबड्डी में आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें बेंगलुरु बुल्स और दबंग दिल्ली अब तक 17 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें से 6 मैचेस बेंगलुरु बुल्स ने जीते हैं और 9 मैचेस दबंग दिल्ली ने जीते हैं और 2 मुकाबले टाई पे खत्म हुए थे। बेंगलुरु बुल्स की पिछली मैच सेम उसी इम्तिहान की तरह थी जिस इम्तिहान से कुछ मैचेस पहले बंगाल वॉरियर्स गुजरे थे। याद कीजिए वो मैच जिसमें बंगाल वॉरियर्स का सबसे वर्स्ट नाइटमेयर सच्चाई साबित हुआ कि क्या हो अगर बंगाल वॉरियर्स के स्टार रेडर मनिंदर सिंह ना चले तो। एज ए रिजल्ट बंगाल वॉरियर्स उस मैच को जीत नहीं पाई थी। अब सेम सिचुएशन हुई थी बेंगलुरु बुल्स के साथ भी लास्ट मैच में कि क्या हो जब बेंगलुरु बुल्स के स्टार रेडर विकास खंडोला ना चल पाए हो। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट था क्योंकि बेंगलुरु बुल्स के पास विकास खंडोला इकलौते स्टार रेडर नहीं है, उनके पास भरत जैसे दिग्गज रेडर भी है। लास्ट मैच में जहाँ पर विकास खंडोला काफी खामोश रहे और सिर्फ 3 रेड पॉइंट्स कमाए, वहीं दूसरी तरफ भरत ने पूरे 11 रेड पॉइंट्स कमाए थे। और वैसे भरत की एक कमाल की बात बताता हूं मैं आपको, कई लोग भरत को एक लेफ्ट रेडर कंसीडर करते हैं तो कई लोग राइट रेडर कंसीडर करते हैं, बट ट्रस्ट मी जितना परफॉर्मेंस उन्होंने आज तक दिखाया है स्पेशली सीजन 9 में, उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों साइड से रेड कर सकते हैं। खैर इस आने वाले मुकाबले में भरत और विकास खंडोला का मुकाबला होने वाला है दबंग दिल्ली के डिफेंडर्स के साथ। दबंग दिल्ली का डिफेंस शुरुआती कुछ दौर में काफी ज्यादा इंप्रेस किए जा रहा था, लेकिन रिसेंट अगर दबंग दिल्ली के कुछ मैचेस देखे तो डिफेंस उतना इंप्रेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लेफ्ट कवर पर खेलने वाले विशाल लाथर और राइट कॉर्नर पर खेलने वाले कृष्ण धुल अपना 100% तो दे ही रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि करंटली दबंग दिल्ली के अगर टॉप 2 डिफेंडर्स का नाम ले तो वो यही दोनों हैं, और इन दोनों पर जिम्मेदारी होगी विकास खंडोला को रोकने की, विद द फैक्ट कि विकास खंडोला एक लेफ्ट रेडर है, यानी उनके सामने ही होने वाले हैं राइट कॉर्नर पे कृष्ण धुल और कवर पे होने वाले हैं विशाल लाथर। इन दोनों से बचते हुए विकास खंडोला कैसे पॉइंट स्कोर करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निकल कर आती भरत पे, क्योंकि मान लो कि अगर दबंग दिल्ली का डिफेंस विकास खंडोला को खामोश रखने में कामयाब हो गया तो भरत को वही करके दिखाना होगा जो पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने करके दिखाया है। यही दूसरी तरफ अगर हम बात करें दबंग दिल्ली के रेडर्स की तो सबसे पहले हमारी आंखों के सामने केवल एक ही नाम आता है, नवीन कुमार एक्सप्रेस। टीम जीते या हारे इस प्लेयर का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। सीजन 9 में अब तक दबंग दिल्ली के जितने भी मैचेस हुए उसमें हर मैच में नवीन कुमार एक्सप्रेस ने सुपर 10 लगाया। लेकिन इनिशियल मैचेस में ऐसा होता था कि नवीन कुमार को मंजीत का काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट मिलता था रेडिंग के मामले में, जो कि रीसेंट मैचेस में थोड़ा बहुत नहीं मिल रहा है। अगर पिछले मैच में मंजीत का परफॉर्मेंस देखे तो उन्होंने केवल 3 पॉइंट्स कमाए थे और आशु मलिक ने 4 पॉइंट्स कमाए थे। अब दबंग दिल्ली के लिए जरूरी यही है कि उनके दोनों रेडर्स नवीन कुमार एक्सप्रेस का रेडिंग के मामले में साथ दे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेंस के द्वारा उतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं आ पा रहे तो रेडर्स पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और फिलहाल ये जिम्मेदारी अकेले नवीन कुमार एक्सप्रेस ने ही उठाई है, लेकिन बाकी दोनों रेडर्स को भी इसमें साथ देना होगा। अब नवीन कुमार, आशु मलिक और मंजीत तीनों राइट रेडर्स हैं और इनका मुकाबला होने वाला है बेंगलुरु बुल्स के डिफेंडर्स के साथ। एंड करंटली बेंगलुरु बुल्स के सबसे खतरनाक डिफेंडर अगर कोई है तो वो है राइट कॉर्नर पर खेलने वाले सौरभ नांदल। अब दिल्ली के तीनों रेडर्स भले राइट रेडर हो लेकिन सौरभ नांदल की चेन से इन्हें खास करके बच के रहना होगा।
जहां तक मुझे लगता है तीनों रेडर्स की स्ट्रेटेजी साफ होगी और वो है राइट कवर पे अटैक करना। राइट कवर पे पहले मयूर कदम खेला करते थे, फिर रजनीश आए, फिर काफी सारे चेंजेस होते आए हैं, लेकिन बेंगलुरु बुल्स का राइट कवर एक वीक कड़ी कह सकते हैं और राइट कवर पर अटैक करने की कोशिश तीनों रेडर्स करने वाले हैं और यही वो मौका होगा जब राइट कॉर्नर पर खेलने वाले सौरभ नांदल अपनी चेन बनाकर इन तीनों रेडर्स को रोक सकते हैं। लेट्स सी कि ये तीनों रेडर्स बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस को कैसे तोड़ते हैं। प्रो कबड्डी सीजन 9 में बेंगलुरु बुल्स अब तक 7 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से वो 4 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस हारे हैं और एक मुकाबला टाई पे खत्म हुआ था। वेरस दबंग दिल्ली भी अब तक सीजन 9 में 7 मैचेस खेल चुके हैं लेकिन वो 5 मैचेस जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं। तो अब तक इन दोनों टीम्स के बारे में जितना भी कुछ हमने देखा है, जाना है, परखा है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करने जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में जीत होने वाली है दबंग दिल्ली की। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी। सो गाइज, ये था पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो इस अपकमिंग मैच का। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी और साथ ही में अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो। प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी सीजन 9 टीम एनालिसिस सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।